अरे योगी जी, जल्दी जल्दी गेहूँ काटो, पीछे मुड़ मुड़ करके क्या देख रहे हो इतनी देर से? अरे अपना काम करो, काम पे ध्यान तुम नहीं देते हो। अब जब देखो तब तुम पीछे देखने लगते हो। पीछे देखने का कोई कारण होता है? तुम्हारा मन नहीं लगता, मुझे लगता है काम करने में। तुम्हारा मन अगर नहीं लग रहा है तो मैं अमित शाह जी को क्या हिसाब दूंगा? तुम ही बताओ, अच्छे से काम करो, पीछे मत देखो। गेहूं की कटाई, एक तो पीछे देखो तो एक दिन में कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर पीछे ना देखो, केवल गेहूं को देखोगे तो अच्छी खासी अपनी दिहाड़ी तो सेट रहेगी, और हम लोग तो ठेके में काम कर रहे हैं, ऐसा ठेकेदारी कैसे निभाऊंगा मैं? तुम ही बताओ योगी जी। वैसे मोदी जी एक बात बताइए आप, मैं एक बात पूछ रहा हूँ आपसे, बिल्कुल सच्चाई बताना, क्योंकि मुझे कभी कभी शक होने लगता है। एक बात बता दीजिए कि ये जो गेहूँ की कटाई हम लोग कर रहे हैं, कितने रुपए बिगे हैं? जितने रुपए बिगे वो सच्चाई मुझे बताऊँ, तभी मेरा काम करने में अच्छे से मन लगेगा। अब बताऊँ मैं, यही इसीलिए तो इतनी देर से मैं मुड़ मुड़ करके पीछे देख रहा हूँ, कटाई पे ध्यान नहीं, और तुम भी तो पीछे देख रहे हो, हमको देख रहे हो कि काम कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझको देख रहे हो लग रहा है काम में तुम्हारा मन लगता नहीं, और ठेकेदारी में आधा हिस्सा हमारा भी हुआ, इसमें कौन सी बात अलग हो गई ये बता दो हमें। अरे योगी जी, जब देखो तब तुम इसी बात में उलझे रहते हो। मैं बताऊं कितने रुपए बिके हैं? इसका जो हमारा अमित शाह जी से जो हमारी डील हुई है वो हुई है 1000 रुपये बिगे के रेट से, लेकिन उसमें से 200 कटौती कट जाएंगे जो हम लोग बार बार पीछे देख रहे हैं, इसलिए इसमें 800 रुपये प्रति बिगे के हिसाब से हम लोगों को गेहूँ की कटाई करनी पड़ेगी। अब आगे देखोगे तो जल्दी कटेगा तो अच्छा खासा हम लोगों का फायदा हो जाएगा, अगर तुम पीछे देखोगे तो फायदा नहीं होने वाला इस जन्म में, क्या अगले 7 जन्म में भी फायदा नहीं होने वाला। देखो किसान का काम होता है अच्छे से काम करना, ऐसे काम करो तुम भी भाई। लोग मेरी वीडियो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो। अरे मोदी जी एक बात बताएं आपको, ये बताऊं जितना मैं गेहूं काट रहा हूं उतना तुम भी काटो। तुम तो अलग देखते रहते हो तो गेहूं कब काटते हो, और मैं यहां से काट रहा हूं, अब की बार मैं सीधा करवा दे रहा हूं, और दोबारा तुम्हारा अगर पैंटा छूट जाएगा तो मैं नहीं कटवाऊंगा, पहले बताया दे रहा हूं। पैसा तो तुम बराबर लोगे, लेकिन काम तो तुम्हें बराबर करना आता ही नहीं है, ऐसे थोड़ी होता है, मैं बताया दे रहा हूं। मोदी जी मैं पैसे या तो कम दूंगा जो ठेका जितने में भी उठाए, अगर ऐसे काम करोगे सही से काम करो थोड़ा अच्छे से। अरे गेहूं की है भाई फसल, कुछ समझ नहीं आता नहीं। मोदी जी सही सही काम करो, बता दे रहा हूं मैं। अरे योगी जी तुम बहुत सही बोलते हो, बहुत सही। देखो मैं तुमसे ज़्यादा काम करता हूँ, और ऐसा तो है नहीं मैं काम नहीं करता हूँ, लेकिन एक बात दिहाड़ी की रही, देखो दिहाड़ी तो हम नहीं छोड़ेंगे कैसे भी, और तुम अगर हजम करने की बात आ गई तो ये समझ लेना पूरी दिहाड़ी मैं ले जाऊँगा, ये समझ लेना अच्छे से, क्योंकि तुमने यार धमकी दे दे करके तो मुझे तंग कर दिया, तुमसे ज़्यादा काटता हूँ मैं, और तुम क्या नाम है कम काटते हो। अरे तुम्हारे ठेके में कल से मैं आऊँगा नहीं कभी काम करने के लिए, दूसरे के ठेकों में चला जाया करूंगा, समझ रहे हो? अरे तुम कुछ एक बात होती है भाइयों, हम बताओ तुम कैसे कर रहे हो योगी जी? ऐसे बिल्कुल नहीं करना है तुम्हें, मैं बताए दे रहा हूँ, और ऐसा करना होगा तो बता देना, कल से तुम्हारे ठेके में बिल्कुल मैं नहीं आऊंगा, एकदम गेहूं नहीं काटूंगा, ये समझ लेना, मैं बताए दे रहा हूँ। अरे तुम मोदी जी मुझे ताने क्यों सुनाते रहते हो? तुम नहीं आओगे तो और कोई नहीं आएगा क्या मेरे साथ काम करने के लिए? बहुत सारे लोग हैं। अरे ठेका लेता हूँ तो सबसे ज़्यादा तुम्हें पैसा देता हूँ, इससे तो तुम ऐसे बोले जा रहे हो। और बताओ हम नहीं, हमारे ठेके में मत कर रहा हूँ, तुमको ज़्यादा पैसे देता हूँ, सब लोग 250 देते मैं 300 दे रहा हूँ, तो 300 रुपये बताओ मजदूरी मिल रही है, इतने में तुम काम नहीं कर रहे हो। अब बताओ नहीं करना है तो काम कोई बात नहीं, मैं कुछ तुम्हें कह नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं दूसरे को रख लूँगा, बता दे रहा हूँ, फिर बाद में मत कहना मुझे काम पर नहीं रखा, बता दे रहा हूँ। भाई लोग वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब। अरे क्यों राहुल तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे हो? हम बताऊं यहाँ खेतों में भी तुम आकर के बता रहे हो, घर पे बहुत शोर शराबा होता है, अब यहाँ पे खेतों में आकर के तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हो? अरे अच्छे से पढ़े करो, अच्छे से तभी तो एग्ज़ाम तुम्हारा अच्छे से आएगा, और अच्छा पास करोगे तुम, ऐसे करोगे तो कैसे तुम एग्ज़ाम पास करोगे? अभी देखो इधर सोनिया जी को देखो, किताब हाथ में ले रखी है, और यहाँ देखो मोबाइल भी चला रही है, अरे ऐसे पढ़ाई कैसे होगी? ना तुम लोग घर पे पढ़ते हो ना तो यहाँ पढ़ते हो। ये बात बता दो तुम राहुल और सोनिया, तुम पढ़ना चाहते हो कि नहीं पढ़ना चाहते हो? ना तुम स्कूल में पढ़ पाते हो, ना घर पे, ना खेत में, यहाँ भी मोबाइल चला रहे हो। ये तो मैंने मोबाइल दे करके बहुत ही बहुत लापरवाही मैंने किया, ये बताओ तुम लोग पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, बोलो राहुल फटाफट। अरे मैं तो पढ़ ही रहा हूँ, मैं तो एकदम पढ़ रहा हूँ, देखो हाथ में मेरे पेन है और कॉपी मेरे पास है,
अभी मुझे लिखते हुए देखो, अभी मैं मोबाइल में देख देख करके पढ़ाई कर रहा हूँ, मोबाइल में देख देख करके। ये नहीं है मैं मोबाइल में कोई फिल्म कार्टून थोड़ी देखता रहता हूँ, मैं मोबाइल चला कर पढ़ता हूँ। और सोनिया जी तो हमेशा मोबाइल में कुछ देखती रहती हैं, वो तो पढ़ती नहीं है कुछ भी, उनको तो हम नहीं बोलते हो, मुझे ही घेर में ले लेते हो जब देखो तब। अब मैं खेत में पढ़ने आया हूँ, यहाँ भी मेरे पीछे पड़े हुए हो, ऐसे मेरे पीछे पड़े रहोगे साल दो साल तो मेरी पढ़ाई की ऐसी, अरे मेरी पढ़ाई कैसे होगी, मेरा एग्जाम कैसे जाएगा, लेकिन मेरे पीछे पड़े रहो आप, पढ़े रहो, हमें कुछ नहीं कहना है। बाद में मुझे मत कहना कि नंबर अच्छे से नहीं मिले, मैं जितना पढ़ता हूँ उतना तुम बोल करके मेरी पढ़ाई सारी की सारी भुलवा देते हो। अब बताओ सोनिया जी को बोलो तुम, नहीं हम तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, ये नहीं पढ़ती हैं। अरे मैं तो पढ़ती रहती हूँ, मैं तो ये एकदम पढ़ती रहती हूँ, देखो घर पर भी पढ़ती हूँ और यहाँ भी पढ़ती हूँ। मुझे मत कहो कुछ भी कोई भी, भाई लोग वीडियो लाइक करो चैनल।